गाइस, नया दिन, नई शुरुआत, नया ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम लोग उज्जैन के लिए निकले थे, तो बस निकल रहे हैं अभी। देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ एकदम, और इधर है खुशबू। हेलो, हाय गाइस, ये एकदम रेडी हो गए, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, देखिए। और इधर है ये डूड और मीशू, सब देखिए एकदम मस्त रेडी हो गए हैं। और हम लोग जा रहे हैं, आपको भी अपने साथ लेके जा रहे हैं उज्जैन। तो वहाँ पे बाबा के दर्शन करेंगे, महाकाल के। ट्राई करूंगी आपको जितना दिखा पाऊंगी उतना दिखाऊंगी। क्या हुआ? बाबा महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे और चलिए मिलते हैं जल्द ही। तो हम लोग आ गए हैं उज्जैन और बाबा की नगरी में। वैसे इंदौर भी बाबा की नगरी है, एंड मंदिर बस जस्ट बाद, मतलब कुछ देर में है, वहाँ जाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए आगे मीशू पीछे देखो, और इधर ये भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं। तो मैं बाद में आपको उन लोगों से भी मिलवाती हूँ, और क्या क्या हम उज्जैन में करेंगे वो दिखाती हूँ। अरे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है, तो हम लोग नींबू पानी पी रहे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए बहुत गर्मी है, हम लोग को एनर्जी के लिए नींबू पानी पीना पड़ रहा है। मीशू ऐसे ही जरूरत में पहुँचते हैं, और अब हम नींबू पानी से पी के थोड़ा एनर्जी लेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है यहाँ का। पारस है, गाड़ी हमने पास कर दी है। ये देखिए टेम्पल है, और हम सब लोग इतनी लंबी लाइन में लग के आ रहे हैं। देखिए अंदर फोन अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बंद कर दूंगी, आपको बस यहाँ तक दिखाती हूँ। अरे यार तुम आई नहीं क्या? यहाँ देखिए इतना अमेजिंग, हम लोग थक गए थे एकदम। ठंडा ठंडा पानी है पीकर, मतलब बहुत मजा आ गया। देखिए सबको पिला रहे हैं ये, और ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा बनाया हुआ है। तो अंदर चल रहे, इतनी ज़्यादा धूप, और हम लोग चल चल के लिटरली ड्रेंड हो गए थे। तो अभी पानी पिया ठंडा ठंडा, तो मज़ा आया। इनके साथ में फोटोज़ बनाए हुए हैं, इधर लाइंस हैं अलग अलग, हम इस लाइन में चल रहे हैं। शादी का है, कितना दूर है यहाँ से? आ गए बस, अभी अंदर जाकर मंदिर आ गया है। यह यहाँ पर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सबका बनाया हुआ है। काफ़ी सारे हो गए हैं, और हम का टारगेट है कि जल्दी से जल्दी सारे हो जाए। ये वाराणसी वाला नहीं हुआ है, त्र्यंबकेश्वर वाला हो गया है, केदारनाथ हो गया है, घृष्णेश्वर भी हो गया है। काफ़ी सारे जो बचे हैं उन्हें हम जल्दी कवर करेंगे। मुझे भी वही लगा था। मज़ा आ रहा है देख के। सॉरी से दर्शन अच्छा हो रहे हैं, आ जाओ। और अभी हम लोग काल भैरव मंदिर आए हैं, जो उज्जैन में है। और यहाँ पे देखिए प्रसाद, बहुत लंबी लाइन आप लोग को दिख रही होगी, उसी लाइन में हम लोग जा रहे हैं। प्रसाद देखिए, यहाँ पर भगवान को अल्कोहल चढ़ाया जाता है। क्राउड है, बहुत ज़्यादा लाइन है यहाँ देखिए। और पीछे लवी आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, देखिए लाइन में लगे हैं। यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मकान का बना हुआ। आंटी को बोला, तो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिए। बहुत ज्यादा भीड़ थी वहाँ पे, मुझे वीडियो निकालने को मना किया, इसलिए मैंने नहीं निकाला आप लोगों के लिए। बट
मतलब एक्चुअली वहाँ पर अल्कोहल दारू का जो प्रसाद है वो चढ़ रहा था सबको, और उसके बाद हम लोगों ने आके बॉटल लेना अंकल की ली थी। अंकल की बीवी देखेगी तो मारेगी उनको। नहीं दारू भी तो दारू ले ली थी क्या, हाँ तो उनको दे दिया हमने बॉटल उसकी, बिकॉज अब हम लोग क्या कर दे। और अब देखिए अब बताते हैं अब नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। बहुत ज़्यादा थक गए, पैर दर्द हो रहे, मेरे तो पैरों में छाले भी हो गए। घर जाकर आपको दिखाऊंगी अगर बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो। तो हम लोग दर्शन वगैरह करके आ गए हैं वापस। हमने एक बहुत अमेजिंग से बड़े बड़े से पापड़ मिल रहे थे वो भी खा लिए, और इवनिंग का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, माहौल बहुत अच्छा है। और अब हम लोग वापस इंदौर की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं चारों के चारों। तो इधर देखो भाभी तो सोई गई है, थोड़ा सा सोने टाइप में, मतलब वो रिलैक्स कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं, हम लोग अब इंदौर जाने वाले हैं और वहाँ जाके क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी, पर ज़्यादा कुछ हमारी हिम्मत नहीं है, तो थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पियेंगे एंड देन सो जाएंगे, बिकॉज कल भी हमें सुबह एक और ट्रिप करना है, वो तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर की करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड। सी दिस ब्यूटीफुल पिज़्ज़ा आउट देयर। ये है अमेजिंग पास्ता। हम लोग 56 पे आए और देखिए हमको भुजिया मिलने आया है। ये है भुजिया जो हम लोग चाइल्डहुड से उसको बहुत चढ़ाते हैं, बहुत छोटा भाई की तरह है हमारा। वाओ अमेजिंग, देखिए कितना अमेजिंग दिख रहा है। अरे मीश कैसा है, कैसा है, कैसा है ये बताओ, कैसा है खुशबू, सॉलिड। चलो अभी ट्राई करेंगे और आपको बाद में बताएंगे क्या क्या है। ये देखिए इनने ब्राउनी डाला है, ओरियो, किटकैट और चॉकलेट सॉस बहुत सारा। इसके बाद भैया डालेंगे आइसक्रीम, हाँ मिल्क एंड क्रीम, मिल्क एंड क्रीम। इसके बाद डाल रहे हैं मिल्क एंड क्रीम। ये मिल्क एंड क्रीम, इंजॉय कर रहे हैं ठंडा ठंडा गोला इस गर्मी गर्मी में, मतलब हवा चल रही है वैसे, बट मौसम समर का है, नथिंग कैन बीट दिस। और साथ में देखो रवि क्या खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, सब लोग खा रहे हैं। सब लोग खा रहे हैं बट अभी तक खाया नहीं है। ये बहुत अमेजिंग है, हमें मन कर रहा है ये बाद में खाएं, ये पहले खा लें, बट ऑफकोर्स ये खराब हो जाएगा तो अभी दोनों हम खाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने 56 में बहुत कुछ खा लिया है, स्टमक एकदम फुल हो गया है, पान की शॉप पे आए तो भैया बोल रहे हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के पान है, तो मुझे कौन सा स्मोक पान खिलाने वाले हैं, तो आई एम गोइंग टू ईट स्मोक पान। आप देखिए वो क्या है, भाई आपको मुंह खुला रखना है, मैं बोलूंगा जब पान चबाना, ठीक है। डरा रहे भाई, भैया कह रहे हैं आपको मुंह खुला रखना है जब बोलूं मैं तो पान चबाना है, तो मैं थोड़ा डर भी हूँ। आप लोग इनको वीडियो में अच्छे से देख लो, अगर मुझे कुछ हुआ तो इनके पास आना। क्या ऐसे डरा रहे भैया, अरे ऐसे मुंह करो, लग रहा है डर, सब हो जाएगा, इतना खा लिया अब क्या मजा।
किसी दिक्कत हो के चलते हुए मेरा नहीं हो पाया पॉसिबल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, ग्लिचेस की वजह से अभी मीठू खाएंगे। सुन रहे हो क्या कह रहा है? और ये हमारी जवाज खुशबू, जवाज भाभी फायर पान लेने के लिए आई है। कुछ भी नहीं होगा। अरे कुछ मत डरो, मैं भी ऐसे फालतू में डर रही हूँ, कुछ नहीं होगा। देखिए क्या हो रहा है, पान में लग गई है आग। अरे लॉन्ग है, लॉन्ग जल्दी की ज्यादा मस्त हो। पानी जैसे मुंह में जाए, पानी चबा ले। कुछ हुआ? जल गया, नहीं चला ना। कैसा लगा? अब ये आ गया है आइस पान, क्योंकि बीवी ने खाया है फायर पान, तो फायर बुझाना बहुत जरूरी है, इसलिए अब आइस पान जा रहा है। आइस पान मैं बनाऊंगी ना, ये बना लेंगे तेरे फायर खाओ यार। नहीं इसमें फायर नहीं, फायर पहले ट्राई कर इसमें। यार मेरे से भी गलती हो रहा है। इसको आप खा सकते हो पहले। एसी का काम करेगा। अरे वाह देखो इसका आइसक्रीम कितनी अच्छी है, जस्ट लाइक आइसक्रीम। चॉकलेट भी डाल रहे हो क्या? वाह भैया वाह, ये नहीं पता था। करो नहीं तो आयुष हो जाएगा। वो उसकी दी है कि गिर गया तो पूछो कैसा लगा। उनको फायर खिलाओ, ऊपर करो ऊपर। कितना हुआ? तो लिटरली हम लोग ने बहुत खा लिया, बहुत शॉपिंग तो नहीं की, बहुत घूम लिए, सबके पैर दर्द हो रहे इसलिए सब आके बैठ गए हैं इधर। और बस अब हमने कैब बुक किया है, अब हम लोग यहाँ पे रुके हैं अपार्टमेंट में, वहाँ पर जाएंगे सोएंगे और उसके बाद कल कहाँ जाएंगे वो आपको दिखाएंगे। तो जैसा हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए, मैंने आपको बताया थक गए घर जा रहे हैं, और हमारे साथ मयूर भी आ गया था, हमने काफ़ी इन्जॉय किया उसके साथ। मैं आपको उससे मिलवाती हूँ, आ जा। ये है मयूर, दिख रहा है ना? तो ये हमारे साथ चिड़चिड़ में रहता था, उसके बाद सब बड़े हो गए, ये भी अपने कॉलेज के लिए चेन्नई चला गया था, हम लोग भी बाहर आ गए। वो इंसिडेंटली इस टाइम पे दोनों इंदौर में हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपस में मिलने। मज़ा आया ना इतने दिन बाद? बहुत मज़ा आया, और मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था दीदी का कि ये आएंगे, इन्होंने बताया था कि हम इंदौर आएंगे, तो मुझे इंदौर घुमाना। तो और इसका नाम भूरिया भी है, घर का नाम मुझे भूरिया बुलाते हैं। यस, घर का सबका अपना एक निकनेम होता है। मेरा नाम भी है शिंकी, और इसका है लवी, और उनका क्या? खुशबू। यस ओके, तो बस अब हम लोग घर जाएंगे, हमें बहुत मज़ा आ गया। ऐसा होता है ना जब आप किसी से मिलते हो बहुत टाइम बाद, तो ऑल तो बहुत टायर्ड थे, बट यू नो थोड़ा सा मज़ा आ जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो नाइट सूट पहन के ही आ गए हैं। नाइट सूट नहीं है, कॉन्सर्ट है, मज़े ले रहा है बस। तो बस अभी हम लोग घर जाएंगे एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कल क्या क्या होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सब लोग को ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।